गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू मैथ्स स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 डाटा हैंडलिंग इसे करने वाले हैं। देखिए, ये आपका लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इजी टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। तो क्लास वन में भी आपने डाटा हैंडलिंग करा था, तो आप जानते हो डाटा हैंडलिंग क्या होता है। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, डाटा कलेक्ट करा जाता है, किस कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। तो देखो, यहाँ वार्म अप में आपको दिया गया है, देखो ये एक पिक्चर है, तो ये दिवाली की पिक्चर है। इसमें देखो पापा, मम्मी, विनय, मोहित, इन सभी ने घर को डेकोरेट करा है, सजाया है। देखो कितने सारे दिया, कैंडल, बल्ब्स, लांटेन, कितनी सारी चीज़ें जिनसे उन्होंने घर को सजाया है। तो अब देखो नीचे आपको क्या है, देखो एक टेबल दी गई है। इस टेबल में देखो आपको काउंट करके इन ऑब्जेक्ट्स का नंबर लिखना है। फर्स्ट देखो आपको ये बताना है कि ये चीज़ें कितनी हैं। देखो फर्स्ट है दियाज, तो देखो इस पिक्चर में कितने दियाज हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 दियाज हैं, तो आप नीचे 5 लिखो। अब आपको कैंडल्स काउंट करनी है, कैंडल्स का नंबर बताना है। तो देखिए कैंडल्स हैं 1 2 3 4, तो 4 लिखो। फिर आपको ऐसे ही ग्लिटर बल्ब्स हैं उन्हें काउंट करना है, तो देखो ग्लिटर बल्ब्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6, फिर आपको 6 लिखना है। इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों के जो चीज़ें हैं उन्हें काउंट करके उनका टोटल नंबर नीचे टेबल में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। विच थिंग वॉज मैक्सिमम इन नंबर, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है। देखो कैंडल, लांटेन, दियास, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है, देखो बताओ। देखो कैंडल है 4, लांटेन है 1, दियास है 5, तो ज़्यादा क्या हुआ, दियास। तो यहाँ पे आप दियास पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच थिंग वॉज मिनिमम इन नंबर्स, कौन सी चीज़ नंबर में सबसे कम है। देखो यहाँ पे आपके 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ये देखिए, ये आपकी गार्लैंड्स, ग्लिटर बल्ब्स और कैंडल्स। तो देखो गार्लैंड से 7, ग्लिटर बल्ब्स है 6 और कैंडल्स है 4, तो सबसे छोटा नंबर है 4, तो कैंडल सबसे कम है, तो आप कैंडल्स पे टिक करोगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोर बल्ब्स यूज दैन दियास, कितने बल्ब्स दियास से ज़्यादा यूज हुए हैं। तो देखो पहले दियास हुए हैं आपके 5 यूज और बल्ब्स हुए हैं 6, तो कितने नंबर ज़्यादा हैं। देखो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 5 को माइनस कर दो, तो आया 1, तो 1 बल्ब ज़्यादा यूज़ हुआ है दियाज से, तो आप यहाँ लिखोगे 1। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे आप, अब आपको एग्जांपल दिया गया है, अर्नो वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फॉलोइंग आइटम्स फॉर हिज बर्थडे, काउंट एंड राइट। देखो अर्नो मार्केट गया है, अपने बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें लेके आया है, आप इन्हें काउंट करके नीचे इनका टोटल नंबर लिखो। जैसे देखो यहाँ पहले पूछा गया है नंबर ऑफ केक, तो केक है 1, तो 1 लिख दो। फिर पूछा है द नंबर ऑफ़ बर्गर्स, बर्गर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखो। फिर पूछा है द नंबर ऑफ़ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है, 6, तो आप 6 लिखो। तो आपको इसे, यही है आपकी डाटा हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन डाटास को कलेक्ट करते हैं और फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके हमें आंसर्स देने होते हैं। आगे देखिए, अब देखो आपको दिया गया है आगे, जतिन एंड्रिया विजिटेड द बीच, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। देखो जतिन और रिया बीच पर गए हैं विजिट करने, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो और नीचे जो चीज़ें आपको दी गई हैं आपको उनका नंबर लिखना है। जैसे देखो फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ सीगल्स, देखो इसमें कितने सीगल्स हैं, काउंट करो, 1 2 एंड 3, तो आप यहाँ लिखोगे 3। अब नंबर ऑफ बॉल्स पूछा गया आपसे, तो बॉल्स को काउंट करो, देखिए बॉल्स कितनी है, 1, बॉल्स 1 ही है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। अब कोकोनट ट्रीज पूछे गए हैं आपसे, कोकोनट ट्रीज 1 2, तो आप यहाँ 2 लिखोगे। ऐसे ही आपको जो चीज़ें पूछी गई हैं आपको उनका टोटल नंबर काउंट करके नीचे बॉक्स में लिखना है। तो ये हमने डाटा का, अब है आपके क्वेश्चन आंसर्स। देखो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बकेट्स आर मोर देन द बॉल्स, कितनी बकेट्स बॉल से ज़्यादा हैं। तो पहले तो हम काउंट करते हैं बकेट्स कितनी हैं और बॉल्स कितनी हैं। चलिए अभी इन्हें काउंट करते हैं, देखिए बॉल्स हैं 1 और बकेट्स हैं 3, तो बताओ कितनी बकेट्स ज़्यादा हुई बॉल से। नंबर ऑफ बकेट में से नंबर ऑफ बॉल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 1 = 2। देखो 3 हमारी बकेट्स हैं 3
और बॉल्स हैं 1, सब्ट्रैक्ट करो तो आया 2, तो अब यहाँ लिखोगे 2। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, इस बीच पे कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, देखो बच्चे काउंट करते हैं, देखो कितने चिल्ड्रन हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 3 चिल्ड्रन हैं, तो आप यहाँ लिखोगे 3। लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी मोर सीगल्स दैन कोकोनट ट्रीज, कितनी सीगल्स कोकोनट ट्रीज से ज़्यादा हैं, तो पहले तो इन दोनों का नंबर चेक करो, देखो सीगल्स हैं आपकी 3 और कोकोनट ट्रीज हैं 2। अब आप नंबर ऑफ सीगल्स में से नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आया 1। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। मिसेस खुराना नीड्स योर हेल्प टू सॉर्ट आउट द डाटा फॉर द मैन इन चार्ज ऑफ गेटिंग द स्कूल सप्लाई, शी मस्ट फाइंड आउट हाउ मच टू पे फॉर ईच आइटम, कैन यू हेल्प हर बाय सॉर्टिंग द डाटा एंड फिलिंग इट इन द टेबल गिवन बिलो। देखो आपको मिसेस खुराना की हेल्प करनी है, वो कुछ सामान खरीद के लाई हैं, तो आपको ये पता, ये डाटा जो है ना ये कलेक्ट करके इनका नीचे आपको टोटल नंबर लिखना है। देखो ऊपर आपको दिया गया ये टेबल है, इसमें आपको दिया गया जैसे उन्होंने 20 चॉक बॉक्सेस खरीदे और हर एक चॉक बॉक्स 4 रुपीज़ का है, ठीक है, ऐसे इन्होंने 10 डस्टर्स खरीदे और एक डस्टर है 5 रुपीज़ का, 20 नोटबुक्स खरीदी, एक नोटबुक की 25 रुपीज़ की, तो अब नीचे जो टेबल दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे देखो फर्स्ट है चॉक बॉक्सेस, तो देखो चॉक बॉक्सेस यहाँ पे देखो आपको दिए गए हैं ये आइटम्स जो उन्होंने खरीदे, यहाँ पे आपको उनका नंबर लिखना है कितने खरीदे, और यहाँ पे आपको उनकी कॉस्ट लिखनी है कि एक आइटम की कॉस्ट कितनी है, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखनी है। तो देखिए चॉक बॉक्सेस कितने खरीदे उन्होंने, 20, तो आप यहाँ 20 लिखोगे, और एक चॉक बॉक्स है आपका 4 रुपीज़ का, तो आप यहाँ 4 लिखोगे, तो टोटल कितना हुआ, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 = 80, तो 80 रुपीज़ के चॉक बॉक्सेस लिए उन्होंने। फिर देखो डस्टर, डस्टर उन्होंने खरीदे 10, तो यहाँ 10 लिखो, और 1 डस्टर की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो यहाँ 5 लिखो। अब 5 रुपीज़ का 1 डस्टर है और 10 डस्टर उन्होंने खरीदे, तो 10 डस्टर के लिए कितना पे किया उन्होंने, 10 × 5, 50 रुपीज़ पे किए। अब अगला आइटम है उनका नोटबुक्स, 20 नोटबुक्स लिए उन्होंने और एक नोटबुक है 25 रुपीज़ की, तो यहाँ नंबर में लिखोगे 20 और कॉस्ट पर आप पीस में लिखोगे आप ₹25। अब उन्होंने 25 रुपीज़ की एक नोटबुक है और 20 नोटबुक्स ली हैं, तो कितना पे करेंगी वो, 20 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 500 रुपीज़ वो पे करेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। आगे देखिए, अब देखो आपको नीचे एक टेबल दी गई है, हाउ डू द चिल्ड्रन इन जानवी क्लास कम टू द स्कूल, देखो जानवी क्लास के बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, देखो यहाँ पे आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं कि वो बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं, ऑटो से आते हैं या पैदल आते हैं, और नीचे उनका नंबर लिखा है। तो देखो जानवी के स्कूल में 18 चिल्ड्रन बस से आते हैं, 8 साइकिल से, 4 पैदल आते हैं और 5 ऑटो से आते हैं, तो ये आपका डाटा है। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन केम बाय बस देन बाय ऑटो रिक्शा, कितने ज़्यादा बच्चे, मतलब यहाँ आपसे ये पूछा है कितने ज़्यादा बच्चे ऑटो रिक्शा से ज़्यादा बस में आते हैं, तो यहाँ पे देखो बस में आने वाले बच्चे जो हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कम्स बाय बस, उसमें से आप ऑटो रिक्शा में आने वाले बच्चों का नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बस से आते हैं 18 बच्चे, ऑटो से आते हैं 5, इन्हें माइनस कर दो, तो 18 - 5 इज इक्वल टू 13, तो आपका आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम बाय, सबसे कम नंबर बच्चों का जो कैसे आ रहे हैं वो, सबसे कम नंबर पहले चेक करो सबसे कम नंबर कौन सा है, तो देखिए 18, 8, 4, 5 सबसे कम नंबर है 4, और देखो 4 नंबर जो 4 चिल्ड्रन है वो कैसे आ रहे हैं, बाय फूट पैदल आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, उनका मीन्स लिखना है कैसे आ रहे हैं, तो लिखोगे ऑन फुट। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन जानवीज क्लासेस, जानवी क्लास में टोटल कितने चिल्ड्रन हैं, तो सभी जितने भी चिल्ड्रन दिए गए सबको ऐड कर दो, तो 18 बस से आने वाले, 18 साइकिल से आने वाले, 8 पैदल आने वाले, 4 ऑटो से आने वाले, 5
इन सबको ऐड कर दो, 18 + 8 + 4 + 5। देखो इन चारों नंबर को ऐड करने पे आपका आंसर आएगा 35। तो जानवी की क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको दी गई है नीचे एक फन एक्टिविटी। एट द जगन्स फार्म, जगन प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ मील कॉस्ट ऑफ ईच एनिमल। लुक एट द लिस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो ये जगन के खेत में कुछ एनिमल्स हैं जिनकी पिक्चर नीचे दी गई है। ये सभी एनिमल्स जगन के खेत में हैं। तो यहाँ पे देखो उनकी जो मील है, उनके जो भोजन पे खर्चा आता है वो आपको दिया गया है। जैसे देखो हॉर्स के भोजन पे 75 रुपीज़ का खर्चा आता है, काओ पे 65 का, हैंड पे 25 का, गोट पे 32 का, डक पे 18 रुपीज़ का, शिप पे 38 रुपीज़ का। तो ये खर्चा आता है उनके फूड पे। तो अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जिनके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हूज मील कॉस्ट द मोस्ट। किसके भोजन पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, डक, गोट, हैन। देखो तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो देखो डक पे आ रहा है 18 रुपीज़, और गोट पे आ रहा है 32 रुपीज़, और हैन पे आ रहा है 25 रुपीज़। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32, 18, 25। देखो 32 इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है गोट। देखो 32 किस पे आ रहा है, गोट पे, गोट के खाने पे सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो आप गोट को टिक कर दो। नेक्स्ट है आपका, हूज मील कॉस्ट लेस द गोट और द शिप। देखो गोट और शिप इन दोनों के भोजन पे जो खर्चा आ रहा है, तो देखो इनमें से कम खर्चा किस पे आ रहा है, गोट पे या शिप पे। तो देखो गोट पे 32, शिप पे 38। तो देखो गोट का शिप से कम खर्चा आ रहा है, तो आप गोट को टिक करोगे। थर्ड, बाय हाउ मच। अब आपसे पूछा है कितना कम खर्चा आ रहा है, तो जो खर्चा शिप के भोजन पे आ रहा है उसमें से आप गोट के भोजन पे आने वाले खर्चे को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो शिप का भोजन 38 रुपीज़, गोट का 32, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो आंसर आया 6। तो आप यहाँ लिखोगे ₹6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ देयर आर 4 ducks ऑन द फार्म, वट वुड देयर मील्स कॉस्ट। अगर उसके फार्म पे 4 ducks हैं तो देखो उनके भोजन पे कितना खर्चा आएगा। देखो एक डक के भोजन पे 18 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, तो 4 ducks के भोजन पे कितना खर्चा होगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे देखो आंसर आया 72। तो देखो 72 रुपीज़ का खर्चा आएगा 4 ducks के खाने पर, तो आप यहाँ 72 लिखोगे। नेक्स्ट, अब देखो आगे, हाउ मच विल द मील ऑफ 3 hens कॉस्ट। अब आपसे पूछा है 3 hens के मील की कॉस्ट क्या होगी। देखो ये हैन है आपकी, एक हैन की भोजन का खर्चा है 25 रुपीज़, तो 3 hens के भोजन की कॉस्ट क्या होगी, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करा तो आया 75। तो 75 रुपीज़ उनका खर्चा होगा, तो आप यहाँ से ₹75 लिखोगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपको टिक करना है, विच पेयर्स मील विल कॉस्ट द मोस्ट। टिक। देखो नीचे आपको पेयर में, जोड़े में दो दो एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। जोड़े में आपके दो होते हैं, तो पेयर में कुछ एनिमल्स के नेम है जोड़े में, तो आपको उस एनिमल के जोड़े को टिक करना है जिसके खाने पर सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है। देखो काऊ और गोट, तो काऊ का है 65, गोट का है 32। तो 65 + 32 प्लस करा तो देखो आया 97। तो देखो ये याद रखना, ये 97 है। अब देखो अगला जो पेयर है आपका डक एंड शिप। तो डक है 18 और शिप है 38। तो 38 + 18, तो देखो ये आया आपका 56। तो ये खर्चा 56 आया। अगला है आपका हॉर्स एंड हैन। तो हॉर्स का 75 है और हैन का है 25। इन्हें ऐड करा तो आया 100। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ, 100। तो सबसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है हॉर्स और हैन के फूड पे, तो आप लास्ट वाला हॉर्स और हैन के पेयर को टिक करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए ये आपका चैप्टर लास्ट डाटा हैंडलिंग कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अपने बुक में करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।